युग में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा प्रथम। कोरोना वायरस को लेकर देश भर में चल रहे लॉकडाउन के चलते किसानों द्वारा तैयार की गई सब्जियां नहीं बिकने की वजह से किसान पूरी तरह से निराश हैं। किसानों ने अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए बताया कि 4-5 महीने दिन रात की मेहनत, कड़ाके की ठंड सहन करके उसके बाद तैयार की गई सब्जियां नहीं बिकने की वजह से कर्ज का बोझ और ज्यादा बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से चिंता इतनी बढ़ गई है कि हमें रातों को नींद भी नहीं आती और हमारे घर का खर्च चलाना भी मुश्किल हो गया है। जिले के भूमि पुत्रों ने अपनी पीड़ा बयां करते हुए बताया कि हमारे द्वारा तैयार की गई सब्जियों में खाद बीज आदि के लिए कर्ज करके पूरे परिवार सहित दिन रात मेहनत करने के बाद भी सब्जियों के उचित दाम नहीं मिल पा रहे हैं। इससे मुनाफा तो दूर की बात, लागत मूल्य भी नहीं मिल पा रहा है। इस वजह से अधिकतर सब्जियां हम फेंकने पर मजबूर भी हो जाते हैं। किसानों ने सरकार से मांग करते हुए कहा कि उनकी सब्जियों का अन्य राज्यों में निर्यात चालू किया जाए, वहीं किसानों को इस नुकसान के लिए मुआवजा राशि भी दी जाए, जिससे किसानों का कर्ज का बोझ कम हो सके। लॉकडाउन से हमको बहुत परेशानी हो रही है, हमारा माल बिक ना रहा है। कौन सा माल है? टमाटर, जो भी सब्जियां हैं वो टमाटर मिर्ची सब हमारी खराब हो रही है। आगे निर्यात नहीं हो रहा है, हमारे टमाटर बहुत सारे खराब हो रहे हैं। गवर्नमेंट से यही अपील है कि हमारी सब्जियों को आगे भेजे तो हमारे जो भी कर्जा वो चुके। गवर्नमेंट से हम यही आप अपील करते हैं कि हमारी सब्जियां आगे से आगे भेजें और हमारा वो लाभ मिले। ये हमारी गवर्नमेंट से अपील है। लॉकडाउन से हमको बहुत नुकसान हो रहा है। नहीं मिल रहा है या फिर बिकी नहीं रही है आपकी मार्केट में? बिक तो रही है पर उसका लाभ नहीं मिल रहा, कम भाव में बिक रही है। एक कैरेट के दाम 40-50 रुपये कैरेट के हिसाब से बिक रहा है, हमको कोई भी लाभ नहीं मिल रहा है। हमारे बहुत खर्चा हो गया टमाटरों में। फिलहाल के लिए समाचारों में इतना ही। बाकी खबरों के अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबरों का युग, न्यूज युग। अगर आपने अभी तक हमारा न्यूज युग चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में बने बेल आइकन को दबाना ना भूले, ताकि आपको हमारे सभी रोचक और ताज़ा तरीन खबरों की अपडेट्स लगातार मिलती रहे।